वेलकम टू सीजे स्टडी जोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स पे हमने बनाने की विधियाँ, प्रयोगशाला विधि सभी अध्ययन किए थे और उसी से आगे मैं उनके केमिकल प्रॉपर्टी को आपको डील कर रहा हूँ। रिएक्टिविटी अगर देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का, दोनों में कार्बोनिल समूह होते हैं RCHO एंड RCOR। इनकी क्रियाशीलता डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मीन्स जितना एल्किल ग्रुप बढ़ता है और माइनस आई इफेक्ट एल्किल समूह की संख्या कम होना। जितना प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ता है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में, उनकी क्रियाशीलता में कमी आती है, क्योंकि जो कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उसको एल्किल समूह से इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण क्रियाशीलता उनकी कम हो जाती है। अगर हम स्टडी करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, प्रोपिलएल्डिहाइड, इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में केवल कार्बोनिल समूह होती कार्बन परमाणु में, उसमें और कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो जैसे जैसे इसमें एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, प्लस आई ग्रुप या आर ग्रुप बढ़ते हैं, क्रियाशीलता में कमी आती है। वैसे ही अगर अपन देखते हैं माइनस आई समूह जुड़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले समूह अगर जुड़ते जाते हैं तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ते जाती है। माइनस आई समूह साइनाइड ग्रुप हो सकता है, हैलोजन समूह हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, अगर ये उनके साथ लिंक हो तो उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। जैसे एस्टेल्डिहाइड, मोनोक्लोरोस्टेल्डिहाइड, डाइक्लोरोस्टेल्डिहाइड एंड ट्राइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड या फिर क्लोरल, तो नंबर ऑफ क्लोरीन की संख्या लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ते जा रही है, और इसमें क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा हो जाएगी ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड। वैसे ही अगर अपन स्टडी करते हैं कीटोन का, तो कीटोन में भी प्लस आई समूह या एल्किल समूह की संख्या जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसकी क्रियाशीलता में कमी आती है। जैसे यहाँ पे अपन लिए हैं प्रोपेनोन, यहाँ पे लिए अपन टू ब्यूटेनोन, यहाँ पे आपको पेंटेनोन, यहाँ पे हेक्जेनोन। नंबर ऑफ आर समूह या फिर एल्किल समूह वृद्धि हो रही है और इस कारण कीटोन की क्रियाशीलता में कमी आएगी। वैसे इनमें भी माइनस आई इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है एल्डिहाइड के समान ही। इसमें जितना अगर हैलोजन्स ग्रुप, जैसे यहाँ पे माइनस आई ग्रुप जुड़ रहा है, वैसे इनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तो मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन कीटोन का अगर स्टडी करते हैं तो ट्राई हैलोजन कीटोन जो समूह होगा उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक हो जाएगी। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्लस आई और माइनस आई का इफेक्ट आता है, माइनस आई की संख्या बढ़ने से इनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अगर हम समान कार्बन परमाणु वाले एल्डिहाइड और कीटोन इनकी तुलना करते हैं कि कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा, उसमें हमारा तीन क्रियात्मक कार्बन समूह वाले मैंने लिया एल्डिहाइड जिसमें तीन कार्बन है, कीटोन भी मैंने लिया है इसमें भी तीन कार्बन है। एल्डिहाइड समूह में कार्बोनिल समूह के एक ही ओर जुड़ा रहता है एल्किल समूह, कीटोन में जो कार्बोनिल समूह होती है उसमें दोनों ओर होता है एल्किल समूह, तो कीटोन की क्रियाशीलता से ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन परमाणु है उसको केवल एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले समूह मिलते हैं, कीटोन में दोनों ओर रहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले समूह, इस कारण उसके कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उसकी क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कोई कंपेयर ही करता है कि कौन ज़्यादा क्रियाशील होंगे, वहाँ पे आंसर सही होगा एल्डिहाइड का। इसके बाद हम बताएंगे इनके केमिकल रिएक्शन के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्टिविटी के बाद अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन कराने पे उनके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में अब स्टडी करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगा रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं, उसे मिलता है प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। लिथियम एल्युमिना हाइड्राइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होती है, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर देता है एथेनॉल। अगर इसी में मान लो कीटोन का रिडक्शन करते हैं उससे मिलता है हमको
सेकेंडरी एल्कोहल प्रोपेनॉल, ये आपके एथेनॉल एंड दिस इज प्रोपेनॉल। इसके बाद अगर ऑक्सीकरण करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने एल्डिहाइड समूह में होती है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कीटोन में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी मिलता है लेकिन नंबर ऑफ वन कार्बन इसमें रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे एसीटोन का हमने ऑक्सीकरण किया उससे बना एसिटिक एसिड, इसमें दो कार्बन है, एक कार्बन जो परमाणु होता है कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनाकर मुक्त हो जाती है, तो एक कार्बन इसमें रिड्यूस हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन कम क्यों होती है। वैसे ही अपन हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो दोनों देते हैं हाइड्रोजोन प्रोडक्ट, दो एमिन समूह एक साथ जुड़े होते हैं वो कहलाता है हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल्स निकलती है ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्रिया करके और उससे बनता है एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, एसीटोन हाइड्रोजोन। तो NH2 समूह का H2 और ऑक्सीजन कार्बोनिल समूह का रिएक्ट करके निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है और उससे प्राप्त हो जाता है हाइड्रोजोन प्रोडक्ट। इसके बाद अगर अपन रिएक्शन कराते हैं PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं जैम डाइहैलाइड, एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन अगर जुड़ा रहे वो कहलाते हैं जैम डाइहैलाइड। तो एस्टेलियाइड मैंने लिया है PCl5, देन 1-1 डाइक्लोरो इथेन, एसीटोन लिया PCl5, इसमें आपका 2-2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो नंबर ऑफ सिंगल कार्बन के साथ जुड़े जाते हैं दो हैलोजन और उससे बनता है जैम डाई हैलाइड। हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक एमीन समूह होता है, इनके साथ रिएक्शन कराने पे इसमें प्राप्त होते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है, तो ऑक्सीजन परमाणु जो होते हैं कार्बोनिल समूह का भाग लेता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा रहता है, एमीन समूह का हाइड्रोजन भाग लेता है और इससे बन जाता है ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड एन ओ एच एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन, वैसे ही सेम रिएक्शन देता है एसीटोन, 1 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाती है कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन और इसके H2 मिला के और इसमें बनता है एसीटोन ऑक्सीजन। अगर अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX होता है, एल्किल और एरिल ग्रुप, मैग्नीशियम मेटल होती है और एक्स जो है हैलोजन। तो तीनों टाइप के एल्कोहल हम बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया जब भी कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। फॉर्मेल्डिहाइड अगर मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया करता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं और उसका जब जल अपघटन करते हैं इससे प्राइमरी एल्कोहल बनता है एथेनॉल C2H5OH। अगर एस्टेलियाहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है, इसमें भी बीच में बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, जैसे यहाँ पे डाइमेथिल कार्बोनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इंटरमीडिएट कंपाउंड है, जल से भी क्रिया कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, यहाँ पर ही बन गया सेकेंडरी एल्कोहल, CH ग्रुप के साथ OH जुड़ा है और इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपेनॉल। तो प्राइमरी एल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड से बना था, सेकेंडरी प्रोपेनॉल एस्टेल्डिहाइड से बन रहा है और वैसे ही जब क्रिया होती है एसीटोन का, एसीटोन में भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद इसमें देता है टर्शियरी एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया आती है, पेपर में भी आते हैं, बोर्ड क्लास में भी पूछा जाता है, तीनों टाइप के एल्कोहल हम इससे बना सकते हैं। तो इसमें आपके बन जाते हैं नंबर ऑफ टोटल 4 कार्बन, ओनली सी के साथ OH जुड़ा होता है और एक कहलाता है टर्शियरी ब्यूटेनॉल। इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन की जो मुख्य अभिक्रिया होती है, मेन प्रोडक्ट जो बनते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले
रिएक्शन हम लेते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिसमें अल्फा कार्बन नहीं पाया जाता, या जो फंक्शनल ग्रुप होती है उसके साथ अल्फा कार्बन नहीं होते हैं। इस रिएक्शन को देता है एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। दोनों की अभिक्रिया जब हम कराते हैं सोडा लाइम के साथ, उसमें बनता है प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड कीटोन अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करें मेथेनॉल देता है, अगर बेंजल्डिहाइड सोडा लाइम के साथ गर्म होती है उससे देता है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 7। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होती है यूरोट्रॉपिन। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु और अमोनिया के 4 अणु की अभिक्रिया होती है और उससे बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। नंबर ऑफ 4 नाइट्रोजन उसमें जुड़ जाते हैं। यूरोट्रॉपिन का प्रयोग होता है रूमेटिज्म या गाठियावाद की बीमारी में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है उसके लिए भी मेडिसिन का काम करता है यूरोट्रॉपिन। तो 6 अणु लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, 4 अमोनिया और उससे बनता है यूरोट्रॉपिन। यूरोट्रॉपिन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। अल्टरनेट क्रम से पाया जाता है नाइट्रोजन एंड मैथिल ग्रुप। नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको मिलेगा 3 और कार्बन के होंगे 4। तो अल्टरनेट क्रम से पाए जाते हैं मेथाइल ग्रुप और नाइट्रोजन। इसके बाद महत्वपूर्ण यौगिक होती है थर्मो शेडिंग वाली जो बहुलक बनता है पॉलीमर्स बेकेलाइट। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब कराते हैं फिनॉल के साथ उससे प्राप्त होता है बेकेलाइट। इसमें फिनॉल 2 अणु भाग लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का 1 अणु भाग लेते हैं, तो 2:1 में एक अभिक्रिया होती है। पहले फॉर्मेल्डिहाइड के 1 अणु जुड़ता है उससे बन जाता है मिथाइल डाइहाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट। फिर इसमें फिनॉल के 1 अणु जुड़ता है, पानी का 1 अणु बाहर हो जाएगा और इससे पॉलीमर्स बन जाता है बेकेलाइट। बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में। प्रेशर कुकर के हैंडल और जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जिसको आपको हीट इंसुलेटर बनाना होता है या फिर करंट के इंसुलेटर बनाने होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक क्लोरीटोन। क्लोरीटोन मेडिसिन होती है जिसमें निद्राकारी औषधि होते हैं, सेडेटिव ड्रग्स में आता है, नींद लाने वाली दवा होती है। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन की क्रिया होती है और उससे बन जाता है पूरा ही एडिटिव कंपाउंड क्लोरीटोन। इसके बाद हम देखते हैं आयडोफॉर्म रिएक्शन। आयडोफॉर्म रिएक्शन ऐसे कार्बोनिल यौगिक देता है जिसमें अल्फा कार्बन उपस्थित होते हैं। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देंगे, एस्टेल्डिहाइड देंगे क्योंकि इसमें एक अल्फा कार्बन होती है, एसीटोन देंगे इसमें अल्फा कार्बन पाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन के विलयन के साथ एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन को जब उबालते हैं गर्म करते हैं उससे प्राप्त होता है CHI3 आयडोफॉर्म। हल्का पीले रंग का क्रिस्टल 2-3 मिनट बॉइल करने के बाद मिल जाते हैं। इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में जानकारी देते हैं मैसेटिलीन। मैसेटिलीन होता है एलिफैटिक कंपाउंड, एसीटोन क्रिया करता है और बनने वाला प्रोडक्ट होता है एरोमेटिक। इसमें 3 अणु लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर उसको गर्म कर दें डिहाइड्रेशन हो जाती है और जो फेनिल ग्रुप के साथ 3 मैथिल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो टोटल 9 कार्बन यहाँ पे होते हैं, उसमें 3 मैथिल ग्रुप बनाते हैं और 6 जो है बेंजीन रिंग बना देती है। 3 अणु इसमें पानी के बाहर निकल जाते हैं तो एलिफैटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है मैसेटिलीन। इसके बाद और यौगिक के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं।